नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। उत्तराखंड की अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार जनरल वीके सिंह ने आज चारधाम ऑल वेदर सड़क निर्माण कार्यों का हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई सर्वेक्षण के बाद सीएम रावत और राज्य मंत्री वीके सिंह आईटीबीपी विश्राम गृह मातली पहुंचे, जहां पर वीके सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर कहा कि 2021 तक कुंभ से पहले चारधाम सड़क निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। यह आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया। कि चार धाम के जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो 2021 से पहले पहले कुंभ से पहले पहले सब तैयार हो जाएं, ताकि जो लोग आएंगे कुंभ के अंदर उनकी भी इच्छा होगी कि चार धाम की यात्रा करें तो उनको सहूलियत हो। का मैं धन्यवाद देता हूं कि वो मेरे साथ चल रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि कहां पे कैसा काम हो रहा है, ताकि इसके बाद जब हम अधिकारियों के साथ बैठें तो हम उनको बता सकें कि कहां पर क्या काम है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कमेटी बनाई गई थी उन्होंने अभी इंटरिम रिपोर्ट दी है काफ़ी समय लेकर, तो जब तक वो रिपोर्ट जो है एक्सेप्ट नहीं होती तब तक काम रुका हुआ है। आज हम कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आए हैं कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी काम शुरू करें, इसीलिए समीक्षा कर रहे हैं ना। समीक्षा का मतलब यही होता है कि चारों तरफ देखें कि किस चीज़ को कैसे अच्छा कराया जा सकता। तो इस तरह से 2021 कुंभ से पहले चारधाम सड़क निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, वीके सिंह ने यह आश्वासन दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और वीके सिंह हवाई सर्वेक्षण करने के लिए वहां पर पहुंचे। हवाई निरीक्षण करने के बाद सीएम पहुंचे आईटीबीपी विश्राम गृह मछली और जनरल वीके सिंह ने वहां पर पत्रकारों से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बातचीत की। इसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया कि तेजी के साथ निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने का संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है और पूरी पूरी उम्मीद है कि 2021 तक सारा निर्माण कार्य ऑल वेदर रोड से जुड़ा हुआ पूरा हो जाएगा। इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जनरल वीके सिंह केंद्रीय मंत्री हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, दोनों ने मीडिया से मुखातिब होते हुए ये बात कही। चारधाम ऑल वेदर सड़क निर्माण कार्य को लेकर पहले हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई सर्वेक्षण के दौरान जो निरीक्षण उन्होंने किया, जो जायजा उन्होंने लिया, उसके आधार पर फिर उन्होंने ये बयान दिया। हालांकि हाल ही में भारी बर्फबारी के चलते वहां पर कहीं ना कहीं निर्माण कार्य रुक गया था, उसमें रुकावटें आ गई थी। जबरदस्त बारिश और बर्फबारी के चलते वहां पर तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन फिलहाल हवाई सर्वेक्षण के जरिए जनरल वीके सिंह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने आपसी बातचीत करने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए ये बात कही कि 2021 कुंभ से पहले पहले चारधाम सड़क निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा, यह आश्वासन दिया। तो देहरादून में चारधाम यात्रा शुरू होने पर सड़कों की कटिंग का काम रोक दिया जाएगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये बयान दिया। सीएम ने ऑल वेदर रोड के निर्माण कार्य के एरियल सर्वे के बाद ये बयान दिया। ऑल वेदर रोड का काम तेजी के साथ किया जा रहा है, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से यह आश्वासन दिया गया। हम लोग जो गंगोत्री मार्ग भैरव घाटी तक हम लोग और उधर यमुना घाटी में हनुमान चट्टी तक हम लोगों ने आज एरियल सर्वे किया सड़क का, और फिर जो उसके बीआरओ के अधिकारी हैं और जो हमारे एनएच के अधिकारी हैं जो इस काम को कर रहे हैं और उनके साथ मीटिंग हुई है। अभी अभी दो दिन पहले जो हाई पावर कमेटी बनी एनजीटी की तरफ से, उन्होंने अपनी अंतरिम रिपोर्ट भी सरकार को सौंपी है। वही खबर देहरादून से, जहां पर विधानसभा में दूसरे दिन सीएम ने कई फरियादियों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की और दूसरे दिन भी विधानसभा में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और मंत्री यशपाल आर्य पहुंचे। मंत्री सुबोध उनियाल भी वहां पर पहुंचे विधानसभा में। सीएम रावत से विधानसभा में अपनी समस्या को लेकर कई फरियादी बातचीत करते नजर आई। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, सीएम रावत ने हर फरियादी से बात की। दरअसल सीएम ने हर बुधवार और हर गुरुवार को विधानसभा में बैठने को कहा, अपनी फरियादें लाने को कहा, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। आज गुरुवार ही था
और ऐसे में सभी मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्रों और शहर के बाहर दौरे पर रहे हैं। ऐसे में सीएम ने वहां पर देखे कितनी बड़ी संख्या में वहां पर बाहर फरियादियों की लंबी लाइन मौजूद नजर आई। एक एक करते हुए सभी की चेकिंग लेते हुए सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें अंदर भेजा गया, जिसके बाद उन्होंने उत्तराखंड के सीएम से मुलाकात की। अब जनता का मैं बहुत आभारी हूं, उत्तराखंड की जनता ने हमेशा प्यार दिया है, उनको मैं आपके माध्यम से अपना धन्यवाद देना चाहूंगा। अब जनता का मैं बहुत आभारी हूं, उत्तराखंड की जनता ने हमेशा प्यार दिया है, उनको मैं आपके माध्यम से अपना धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि बुधवार और गुरुवार बृहस्पतिवार को दो दिन नियमित रूप से माननीय मंत्रीगण अपने विधानसभा सचिव कक्ष में उपस्थित रहें, जिससे कि जनता से जनसंवाद स्थापित हो सके। अक्सर देखने में आ रहा था कि जनमानस को सही सूचना नहीं मिल पाती थी कि मंत्रीगण कब उपलब्ध होंगे, कौन सी तारीख में, कौन सी तिथि को वो हमसे मुलाकात हो पाएगी। अब इससे पूरे प्रदेश के जनमानस को ये जानकारी हो गई है कि माननीय मंत्रीगण बुधवार को आधा दिन और बृहस्पतिवार को गुरुवार को पूरा दिन अपने कार्यालय में जनता से भेंट करेंगे, समस्याएं सुनेंगे, निदान करेंगे। और इस तरह से मंत्री सुबोध उनियाल भी वहां विधानसभा पहुंचे। सीएम रावत ने इस दौरान विधानसभा में अपनी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे फरियादियों से मुलाकात की। उसी समय संबंधित अधिकारियों से बातचीत करते हुए इन समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। ये देखिए एक तरीके से छोटा जनता दरबार जो कि हर बुधवार और हर गुरुवार को यहाँ पर लगाया जाएगा। सीएम की तरफ से खुद ये कहा गया है कि हर बुधवार और हर गुरुवार को फरियादी यहाँ पर आ सकते हैं अपनी अपनी समस्याएं लेकर। वहीं 3 से लेकर 7 मार्च तक चलेगा विधानसभा का बजट सत्र। भराड़ीसैन में आगामी 3 मार्च से 7 मार्च तक विधानसभा बजट की सत्र की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने भराड़ीसैन में सभी आला अधिकारियों के साथ एक बैठक की और बैठक लेते हुए मौजूदा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सत्र की व्यवस्थाओं के लिए नामित सभी नोडल और प्रभारी अधिकारियों को 29 फरवरी तक सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने को कहा। इस दौरान जिलाधिकारी ने विधानसभा परिसर, वीवीआईपी, वीआईपी और अधिकारियों के आवास, हेलीपैड, बैरिकेडिंग स्थलों का निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें कि सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, आवास, भोजन, पेयजल, विद्युत, वाहन व्यवस्थाएं, इनको लेकर जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों के साथ चर्चा की, मौजूद व्यवस्थाओं की समीक्षा की। पहले भी की गई थी और आज यहाँ पे फील्ड विजिट के लिए जो हमारा क्या क्या व्यवस्थाएं हो चुकी है, क्या क्या करनी शेष हैं और सभी के सुझाव लेने के लिए यहाँ पे एक बैठक भी आयोजित की गई और फील्ड विजिट भी किया जा रहा है। और हमारी जितनी भी आवासीय व्यवस्था ऑलमोस्ट हमने प्लान कर लिया है और मजिस्ट्रेट वाहन सभी का प्लान कर लिया और यहाँ पे कहाँ कहाँ पे बैरियर्स लगने, कहाँ व्यू कटर्स लगने हैं, कहाँ पे मजिस्ट्रेट्स की तैनाती होनी है, ये सभी पॉइंट्स आज चिन्हित कर। गंभीर बिष्ट हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। गंभीर, जीएम ने जो जायजा लिया, क्या कुछ हकीकत निकल कर सामने आई, क्या कुछ निर्देश दिए गए इस बैठक के बाद? ये आपको बता दूं कि आज डीएम चमोली ने भराड़ीसैन विधानसभा का जो तैयारी किया, जो भ्रमण किया और उसमें जो कुछ उन्होंने कमियां देखी उसको जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को कहा है कि वो किसी भी हालत में वैसे तो 30 तारीख तक पूरा करने के लिए कहा गया है क्योंकि 30 तारीख तक जो है कि वो पूरा हो जाना चाहिए। इसमें जो है कि जितने भी जो है कि वहाँ सबसे मेन चीज है कि जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जो पुलिस के रहने की व्यवस्था है वो उनके लिए जो है कि सबसे पहले वो व्यवस्था की जाए, उसके बाद पानी से लेकर के संचार से लेकर के और वहाँ पर जितने तमाम जो कि व्यवस्थाएं होते हर विभाग के लिए जो है कि बिल्कुल सख्ती से उन्हें आदेशित कर दिया गया है कि वो किसी भी हालत में 30 तारीख तक इन व्यवस्था को पूरा कर दें। उसके बाद जो है कि डीएम का कहना है कि वो दोबारा वहां जाएंगे और उन व्यवस्थाओं का जायजा दोबारा लेंगे। जी ठीक है, शुक्रिया आपका गंभीर बिष्ट इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। खबर देहरादून से, जहां पर प्रमोशन में लगी रोक हटाने को लेकर देहरादून में प्रदर्शन किया गया। जनरल ओबीसी कर्मचारियों की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया। प्रमोशन में दरअसल आरक्षण ये लोग नहीं चाहते हैं,
प्रमोशन में रिजर्वेशन का विरोध करते हुए वहां पर बड़ी संख्या में जनरल और ओबीसी कर्मचारी सड़कों पर उतरे, विरोध प्रदर्शन किया, देहरादून के परेड मैदान में पहुंचे। बड़ी संख्या में परेड मैदान में एकत्रित होते हुए कर्मचारियों ने वहां पर नारेबाजी की, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर अपनी बात रखी। सभा के बाद कर्मचारियों ने सीएम आवास का भी कूच किया, प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने जिसके बाद रास्ते में रोक लिया। काफी दिनों से लटके हुए प्रमोशन बिना आरक्षण के करने की मांग कर रहे हैं कर्मचारियों की। इस रैली की प्रशासन ने ड्रोन से बकायदा रिकॉर्डिंग भी करवाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाना चाहिए, ये कर्मचारी कहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता। ऐसे में इच्छा है राज्य सरकार की, अगर वो चाहे तो इसे इंप्लीमेंट कर सकती है या फिर नहीं, ये राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। आज का इस भीड़ हम लोगों को इस बात का, हम लोग सरकार को आगाह करते हैं कि सरकार ने अगर इस प्रमोशन में रोक को जल्द से जल्द नहीं हटाया तो आज कोई बड़ा निर्णय, हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल तक की हम लोग निर्णय लेने के लिए तैयार हैं, एकजुट हैं। और कहीं ना कहीं ये पूरा वर्ग, ये सामान्य और ओबीसी वर्ग का वर्ग और तमाम वो पीड़ित लोग जो इस आरक्षण के दंश को झेल रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे पीड़ित है, सरकार को अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सरकार पिछले कई दिनों से इस मामले में मूक दर्शक बनी है, राजनीतिक पार्टियां इस पूरे मामले में राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं और कहीं ना कहीं इस पूरा उत्तराखंड राज्य दोबारा किसी बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ने को। फहीम तन्हा रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। फहीम, राज्य सरकार के लिए मुसीबत हो गई है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप बाध्य नहीं है, फिर भी इस पर फैसला लेना अब टेढ़ी खीर साबित होती हुई नजर आ रही है उत्तराखंड सरकार के लिए। बिल्कुल शिल्पा, देखिए ये सरकार के लिए थोड़ा मुश्किल भरा दिखाई दे रहा है इस समय, क्योंकि सरकार ना तो उसको सिरे से खारिज कर पा रही है आरक्षण को और ना ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में आरक्षण दे पा रही है। तो लिहाजा हाँ। दोनों ही बातें हैं, दोनों वर्ग के कर्मचारी अपने अपने आंदोलन पर है। आज जिस तरीके से ओबीसी और जनरल कर्मचारियों का ये इतना बड़ा हुजूम उमड़ा, उन्होंने आंदोलन एक तरह की प्रदर्शन किया और अपनी मांग रखी है, सीधे तौर पर कहा है, जैसे हमने सुना कि इसमें राजनीतिक रोटियां भी सेकी जा रही हैं, तो लिहाजा सरकार के सामने बड़ी अभी चुनौती भरी स्थिति है। हालांकि मुख्यमंत्री का मैं अपडेट बता दूं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बात को कहा है सिर्फ दो लाइन की, वो कर्मचारियों के मामले में बातचीत करेंगे, क्या हल हो सकता है उसको देखेंगे, इतना है बयान सरकार की तरफ से आया अभी हाल में। और इसके अलावा आप कहें कि 23 तारीख को फिर दूसरे जो SC ST वर्ग के कर्मचारी हैं शिल्पा, वो आंदोलन के लिए तैयार बैठे हैं, तो सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक तरफ फैसला लेते हैं किसी भी एक तरफ, तो फिर अगर ऐसे में तो फहीम दोनों पक्ष अपने अपने बेस्ट तरीके से दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, वो और ज्यादा अधिक तरीके से प्रदर्शन करेंगे, ये भी फिर अपने आंदोलन पर उतर आएंगे, ऐसे तो दोनों के पक्षों के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिसका हल सिर्फ राज्य सरकार के पास ही होगा, और राज्य सरकार किसी एक पक्ष में नहीं तो जा सकती है सिर्फ। देखिए किसी एक पक्ष की तरफ जाना, अगर इसको कहें कि आरक्षण लागू करती है, आरक्षण देती है, क्योंकि राज्य सरकार का अपना ये प्रोग्रेटिव रहेगा, हाँ? तो उसमें जनरल और ओबीसी के जो कर्मचारी हैं वो नाराज हैं, क्योंकि नाराज होने का खतरा है, क्योंकि आज जो आंदोलन था वो सीधे तौर पर उन्होंने इस बात को कहा कि आरक्षण नहीं होना चाहिए प्रमोशन में और ये बाध्यकारी नहीं है संवैधानिक रूप से, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट ही इस बात को कह देता। लिहाजा ये भी एक सरकार के सामने मसला है कि जनरल और ओबीसी के कर्मचारी नाराज ना हो, और अगर ये आरक्षण नहीं दिया जाता है तो फिर SC ST का वर्ग नाराज है, वो भी आंदोलन की तैयारी कर रहा है, तो अभी सरकार इसमें देख रही है कि किस तरीके से आंदोलन का रास्ता भी खत्म हो जाए और बीच का रास्ता निकाल करके हल भी निकल जाए, लेकिन फिलहाल अभी सरकार के पास चुप रहने के अलावा कोई बड़ा समाधान दिख नहीं रहा है। जी शिल्पा, बिल्कुल निश्चित तौर पर, चलिए शुक्रिया आपका फहीम तन्हा हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं नरेंद्र नगर के पालिका मैदान में डिजिटल लर्निंग के तहत प्रदेश के कृषि एवं उद्यान मंत्री और क्षेत्र के विधायक सुबोध दुनियाल ने कक्षा 6 के छात्र छात्रा को टैबलेट वितरित किए, और इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सुबोध दुनियाल ने 5 स्कूलों के 47 छात्र छात्रा को टैबलेट्स प्रदान किए। इन टैबलेट्स के जरिए छोटी कक्षाओं से ही बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाया जाएगा, सरलता के साथ सहजता के साथ कठिन प्रश्नों को भी समझाया जा सकेगा, इसके लिए उनकी पाठ्य पुस्तकों का पूरा मसौदा टैबलेट के अंदर दे दिया गया है। वहीं धरना प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने विपक्ष को नसीहत दी है, बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी देवेंद्र भसीन ने बयान दिया है कि धरना प्रदर्शन सबका अधिकार है, ठीक है, लेकिन दूसरों को धरने से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देहरादून में दरअसल परेड ग्राउंड में बना हुआ धरना स्थल वहां से हटाया जा रहा है, जिस वजह से विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है, विपक्ष इस बात का विरोध करते हुए प्रदर्शन की बात भी कह रहा है।
भसीन की तरफ से कहा गया कि स्मार्ट सिटी के कार्यों के लिए धरना स्थल शहर के बाहर बनाया जाएगा। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने धरना स्थल को वहां से हटाए जाने का विरोध भी किया है। मौजूदा धरना स्थल का अच्छे काम के लिए उपयोग किया जाना है, ये देवेंद्र भसीन की तरफ से प्रदेश मीडिया प्रभारी बीजेपी के उनकी तरफ से स्पष्ट किया गया। जमाने में जबकि मीडिया सोशल मीडिया सभी बहुत सक्रिय हैं और कहीं दूर स्थान पर भी कोई घटना होती है तत्काल वो सार्वजनिक हो जाती है, तो ऐसे में ये कहना कि कौन देखेगा ये अपने आप में उचित बात नहीं है। और दूसरी बात, धरना प्रदर्शन के साथ जनता के साथ कोई दिक्कत हो वो भी अपने आप में ठीक नहीं है। दिल्ली के अंदर माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है कि धरना देने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन असुविधा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में अगर धरना स्थल बदला जा रहा है और उस स्थान का किसी अच्छे कार्य के लिए उपयोग होना है तो मैं समझता हूँ कि इसमें विपक्ष को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और एक कदम अपने आप में। उधर काशीपुर में अग्निशमन विभाग की तरफ से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया जिसमें अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने लोगों को आग लगने के दौरान बचाव और आग बुझाने के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई। बता दें अग्निशमन विभाग के मुख्यालय द्वारा लोगों में जागरूकता फैलाने के मकसद के साथ ये पूरा कार्यक्रम वहां पर रखा गया और हर महीने मॉकटेल कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिसके चलते आज काशीपुर के अग्निशमन विभाग ने रतन सिनेमा रोड पर स्थित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मॉकटेल का आयोजन किया। हमने ये सीखा है आग तीन प्रकार की होती है, ABC, जो घर में लगती है, लकड़ी जैसे कागज में लग जाती है तो उसके लिए हम अटैक फायर का यूज करते हैं, उसमें सिलेंडर में पाउडर के अकॉर्डिंग होता है वो, और सेकेंड आग जो जैसे हमारे रसोई घर वगैरह में सामान रहता है खाने पीने का, और फ्रिज वगैरह में वायर का यूज़ होता है करंट वाला, तो उसके लिए हम CO2 फायर का यूज़ करते हैं, CO2 फायर सिलेंडर का, उसमें जो है हमारे खाने पीने का पदार्थ जो है वो ख़राब नहीं होता है। सी फायर है हमारी फॉर्म फायर, तो उसका यूज़ हम तरल पदार्थों के लिए जैसे डीजल पेट्रोल इन सब की आग में जो है हम फॉर्म फायर का यूज़ करते हैं। ये हमारे मुख्यालय स्तर से जो है महीने में डेमो का प्रावधान चल रहा है फायर को जो है जनमानस को जागरूक करने के लिए, इसलिए आज जो है हमने ये रतन सिनेमा रोड काशीपुर SRF मॉल में डेमो का आयोजन किया गया, ठीक है, जिसमें हमने मॉल के लोगों को जानकारी ये दी गई है कि कभी आपके दुमझले या तिमझले में आग लग जाती है तो कैसे कैजुअल्टी बाहर निकाली जाती है। मसूरी में SDM मसूरी वरुण चौधरी ने माल रोड का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने माल रोड पर दुकान के बाहर सामान लगाने वाले 13 लोगों के 10,000 रुपए के चालान काटे। वही प्रतिबंधित समय पर माल रोड पर वाहन चलाने वाले और सड़क किनारे वाहनों को पार्क करने वाले तकरीबन 3 दर्जन से ज्यादा लोगों के भी चालान काटे गए। वही SDM की कार्रवाई को लेकर व्यापारी वर्ग में खास तौर पर नाराजगी देखने को मिली। आज हमने करे हैं कुछ 30-35 के बीच में हमने चालान करे हैं और जो एजेंडा है जैसे कि मैं आपको बोल रहा था, किसी को असुविधा देने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं है। ये एक डेढ़ महीना पहले भी हमने ड्राइव करी थी और तब भी वी हैड रिक्वेस्टेड एवरीबडी कि अपना सामान दुकान के अंदर रखे। काफ़ी लोग ने कंप्लाई करा है जिसकी वजह से ट्रैफिक में भी इम्प्रूवमेंट है, आपने खुद भी देखा होगा। कुछ लोग हैं जो नहीं मान रहे थे तो उनको हमने चालान दिए। वही पहाड़ों में डगमगाती स्वास्थ्य व्यवस्था किसी से भी छिपी नहीं है और इसका ताजा मामला पौड़ी के डांडा नागराजा इलाके से सामने आया है, जहां पर मकलोड़ी गांव के रहने वाली 24 साल की रुचिता देवी ने अपने बच्चे को एम्बुलेंस में ही जन्म दिया। दरअसल महिला को प्रसव पीड़ा हुई जिसके बाद इलाके में अस्पताल ना होने के चलते महिला को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पौड़ी ले जाया जा रहा था। लंबा समय बीतने के बाद महिला ने एम्बुलेंस में ही बच्चे को जन्म दे दिया क्योंकि इतना समय महिला के पास था ही नहीं, प्रसव पीड़ा अपने उच्चतम लेवल पर थी। फिलहाल जच्चा और बच्चा दोनों ही स्वस्थ बताए जा रहे हैं। बता दें कि परिजनों ने सरकार से मांग की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त किया जाना चाहिए ताकि आने वाले समय में इस तरह की कोई घटना ना हो जाए। हालांकि इस मामले में गनीमत रही कि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता दोनों में से किसी एक को भी कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदारी लेता। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ इंडिया के साथ।